आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, महालक्ष्मी के 50 से ज्यादा टुकड़े। अब आपको क्या करेंगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे मर्डर के बारे में बताते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं, 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। कहानी सुनिए, दिल्ली की श्रद्धा वॉकर की तरह 29 साल की महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, महालक्ष्मी हत्याकांड के आरोपी ने की खुदकुशी। आरोपी मुक्ति रंजन ने ओडिशा में खुदकुशी की। वारदात के बाद से फरार था आरोपी मुक्ति, टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा था शव। पुलिस की नजरों से फरार था आरोपी और अब खबर यह है कि महालक्ष्मी हत्याकांड के आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। बेंगलुरु का ये महालक्ष्मी हत्याकांड है जिसमें महालक्ष्मी की हत्या करके बॉडी पार्ट्स को काटकर फ्रिज में रखा गया था। इसमें पूरी खबर में कहीं बेंगलुरु का जिक्र नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अमन चोपड़ा किस तरीके से दोस्तों न्यूज के एंगल को बदल रहा था और एक समुदाय को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और बाद में जो पता चला वो अब आपके सामने है। तो दोस्तों, ये न्यूज रिपोर्टर सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन जो है एक समुदाय के खिलाफ आग उगलते रहते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, अगर कोई एक शख्स गलत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुदाय गलत है। जैसे कि अब पहले दूसरे समुदाय पर इल्जाम था और जबकि दूसरे समुदाय का शख्स जो है इसमें जो है क्रिमिनल निकला है, तो क्या पूरा समुदाय जो है क्रिमिनल हो गया है? दोस्तों, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग में गोबर ना भरें, एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे देश के सुधारक बने।